बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहानी एक गिल्लू की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जिसमें मैंने महादेव वर्मा के जो ये रेखा चित्र है मेरा परिवार से लिखी गई कहानी संकलित की गई गिल्लू के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि महादेव वर्मा जब सोनजूही के पेड़ में एक पीले रंग का फूल देखती हैं तो उन्हें अचानक याद आ जाता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीले रंग का सोनजूही का फूल वो गिल्लू है जिसे कुछ समय पहले उन्होंने मिट्टी में दफन कर दिया था। तो इसलिए उनके मन में ये चीज़ आती है और गिल्लू की यादें उनके मन में घूम जाती हैं। अचानक ये कहानी पुरानी यादों पर आधारित संस्मरण है, तो उन्होंने क्या देखा कि किसी तरह से एक दिन देखती हैं कि एक गमले और दीवार के बीच में दो कौवे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं चौं चौं करके। तो उन्हें कुछ शंका होती है, फिर उन्होंने कौओं की तुलना की है कि इन कौओं को जिन्हें कि लोग अपने घर की छतों पर भी बैठने ही नहीं देते क्योंकि बैठने देने से वो उसे भगाने लगते हैं। ये माना जाता है कौवा जो है वो गंदी जगहों में रहता है तो ऐसी स्थिति में वो कौओं का को अच्छा नहीं मानते। लेकिन वही कौवा जब पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पितरों को खाना दिया जाता है तो उसी कौवे को आदरित मान करके आदर के योग्य मान करके उसका आह्वान किया जाता है कि वो आए और भोजन को ग्रहण करें, तब उनके पितरों को भोजन मिला ये माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो इतने आदरित हो जाते हैं और वही जो कि सारे समय में अनादरित रहते हैं। तो उन्होंने ये देख करके कहा कि मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ गई जब गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी नज़र पड़ी। उन्होंने गमले और दीवार के बीच की जगह में जब एक छोटा सा जीव देखा और वहाँ कौवे जो है उस छोटे से जीव पर एकदम सुलभ आहार समझकर उसे खाने को तैयार हैं। काक द्वय की चोंचों से दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे और दो कौवे की चोंच से लगा हुआ उस नन्हे से गिलहरी के बच्चे पर लगा हुआ घाव अपने में बहुत काफ़ी था और काफ़ी होने के कारण उसे लगा कि अब ये गिलहरी का बच्चा जो है वो जीवित नहीं बचेगा, तो उसके लिए बहुत काफ़ी चोट थी। वो सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कौवे की चोंच अगर किसी जीव पे लग जाएगी और घाव गहरा हो जाएगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, तो अतः ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी उसे छुआ ना जाए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये बचेगा वैसे भी नहीं। लेकिन महादेव वर्मा जीवों के प्रति इतना जीवों को प्रेम करती थी, जीवों के प्रति इतनी सजग रहती थी और सहृदय थी कि वो किसी भी जीव को मरता हुआ देख ही नहीं सकती थी, और जब मरता हुआ नहीं देख सकती थी तो उन्होंने क्या किया कि उसे उठाया और उठा करके उसके घाव को साफ किया, रुई की पतली बत्ती से को भिगो करके जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में दूध डालने की कोशिश की मुंह खुल नहीं रहा था और दूध की बूंदें जो हैं वो बाहर की ओर लुढ़क जा रही थी, इस तरह से लुढ़क जा रही थी कि जैसे वो पी नहीं पाएगा। दूध और पानी की बूंदें अगर उसके भीतर नहीं जाएंगी तब वो खुद को उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। फिर कई घंटे प्रयास करते करते महादेवी वर्मा यानी लेखिका ने उसके मुंह में एक दो बूंदें टपकाई, यानी पानी की बूंदें डाली। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। फिर तीसरे दिन हुआ क्या कि उसने पानी पिया, घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगा दिया महादेव वर्मा ने, और उसके बाद वो घाव उसका कम हो गया। धीरे धीरे तीसरे दिन वो इतना चंचल हो गया कि अपने नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़ लेता था।
नीले कांच सी मोतियों जैसी आंखें इधर उधर देखने लगता और उसकी जो गोल गोल कंचे की तरह आंखें थी वो बड़ी सुंदर सी लगती थी और टुकटुकी बांधकर वो देखता था। 3-4 मास में उसके स्नेह रोए झब्बेदार पूछ और चंचल चमकीली आंखें उसको विस्मित करने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब 3-4 महीने का जब वो गिलहरी का बच्चा हो गया तो उसमें एक चिकने स्निग्ध शब्द का मतलब था चिकना। तो स्निग्ध शब्द का मतलब है चिकना। तो उसकी बिल्कुल चिकनी सी सुंदर रेशमी सी पूंछ रोए और झब्बेदार एकदम रुई के गुच्छे की तरह उसकी पूंछ और चमकीली आंखें सबको विस्मित तथा आश्चर्यचकित। तो आश्चर्य में डाल देती थी, आश्चर्यचकित हो जाते थे लोग से। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। अब महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे का एक नामकरण कर दिया और नामकरण करते ही गिलहरी गिलहरी न होकर गिल्लू हो गया। गिल्लू होते ही वो व्यक्तिवाचक हो गया और जब तक वो गिलहरी प्रजाति का था तब तक वो जातिवाचक था। तो उन्होंने कहा कि हमने उसे उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया तो एक नामकरण हो गया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और अंत में उसे गिल्लू कहकर बुलाया जाने लगा। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया और फिर क्या हुआ कि फूलों की डलिया में रुई बिछाकर उसके सोने और उठने की जगह बना करके और डलिया को खिड़की पर लटका दिया। यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और 2 वर्ष तक गिल्लू वहीं रहा और 2 वर्ष में गिलहरी का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। तो गिलहरी का जो बच्चा रहता है काफी बड़ा हो जाता है तो 2 वर्ष का जीवन उसका वहीं व्यतीत हुआ। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर इधर उधर देख खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता। अब क्या हुआ कि 2 वर्ष तक वो अपने डलिया को के झूले को हिलाता उसमें झूलता और टुकटुकी बांधकर आंखों को घुमा घुमा करके वो यहाँ वहाँ सब कुछ देखता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था लेकिन उसके कार्य करने का जो ढंग था वो ढंग देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत समझदारी से कार्य करता था जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि एक नन्ना सा गिलहरी का बच्चा गिल्लू जो एक नन्ना सा गिलहरी का बच्चा है वो कैसे इतनी समझदारी से चीज़ों को समझ सकता है या कार्य कर सकता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे तीव्र इच्छा होती और उसका एक अच्छा सा उपाय खोज लिया। उस नन्हे से जीव को भी लेखिका के प्रति इतना प्रेम था कि जब वो लिखने बैठती तो लिखने बैठने पर वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था कि वो लिखना छोड़कर उसे उसके साथ खेलें तो वो चाहता था लेकिन जब वो नहीं देखती थी तो उसके लिए कोई और नया रास्ता ढूंढता था। तो क्या करता था उनके पैरों के ऊपर से सीधे सर से वो पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और तेजी से उतनी ही तेजी से उनके ऊपर से दौड़ता हुआ उतर जाता। मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती और इतनी तेजी से उठता चलता और उठ के जाता और वो सोचता कि ताकि लेखिका उन्हें उसे पकड़े परंतु वो उसे पकड़ने उठती नहीं थी और वो देखा करती थी उसके क्रियाकलापों को। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लग न उठती कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती
उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सर लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुगात शरीर, छोटा शरीर, नन्हा शरीर। तो जो नन्हा सा शरीर था उस लिफाफे में रखकर दो पंजे वो बाहर निकाल देती तो वो उसी में चुपचाप खड़ा रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता। और कभी कभी लेखिका को कुछ काम ज़्यादा करना होता तो वो क्या करती कि उसे वो उसी लिफाफे में कर दीवार के सहारे खड़ा कर देती और वो घंटों घंटों उसी लिफाफे के अंदर खड़ा रहता और टुकटुकी बांध बांध करके लेखिका को देखता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी और गिल्लू अब थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के साथ अब कमरे में फूलों की खुशबू जब आती तो वसंत का अनुभव होते ही गिल्लू मचल जाता था। और गिलहरी को तो बाहर घूमने फिरने चंचल जीव होते हैं चाहिए। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने ना जाने क्या कहने लगी। और फिर क्या हुआ कि पहला वसंत आया। गिल्लू अब थोड़ा बड़ा हो गया और वो बार बार बाहर के वातावरण में टकटकी बांध कर देखता। बाहर की जो गिलहरियाँ होती थी वो भी आती थी और आ करके वहाँ पर वो उनको देखती और पता नहीं ना जाने क्या क्या चिक चिक करके दोनों गिल्लू और उधर की गिलहरियाँ बातें किया करती थी। लेखिका ये सब कुछ उसका देखती रहती। मैंने किले अब जब उन्होंने लेखिका ने ये देखा और गिल्लू उन्हें उनके पास बैठकर अपने पन की भावना से झांकते हुए उन्हें इस तरह निहार रहा था जैसे कह रहा था कि वो उसे भी बाहर जाना हो, तो गिल्लू की इस तरह की निहारने को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि संभवतः गिल्लू भी बाहर जाना चाहता है उन गिलहरी समूह के बीच में खेलने कूदने के लिए। तो उसके मन में आया कि अब इसको बांधने से अच्छा है कि इसको स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उन्होंने जाली का एक कोना किले निकाल करके जाली का एक कोना खिड़की की जाली का एक कोना मोड़ दिया और मोड़ने का नतीजा था कि गिल्लू उसी में से बाहर निकल जाता था और बाहर निकल जाता और गिलहरियों के साथ खेलता कूदता। मैंने किले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग में से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। अब गिलहरी जैसे छोटे जीव को यदि घर में पालना है तो उनकी बहुत देखरेख करनी पड़ती है। कुत्ते बिल्लियों से बचाना इन्हें बहुत मुश्किल होता है। और महादेव वर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने जीव जंतुओं पर इतनी कहानियाँ लिखी और जीव जंतुओं को इतना पाली। आपने इनकी नीलकंठ कहानी पढ़ी होगी जिसमें उसमें लिखा है कि वो तमाम जीवों को अपने घर में पालती थी, सवेरे उठ के चारा देती थी और सबको रहने और चलने का ढंग भी सिखा देती थी। तो सब में काफ़ी हृदयता आ जाती थी, सहृदयता के साथ वो जुड़ जाते थे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। गिल्लू इतना समझदार था कि जब लेखिका चली कहीं चली जाती तो जाली के मेज से बाहर निकल जाता और बाहर निकल करके वो क्या करता कि गिलहरियों के साथ दिन व्यतीत करता। लेकिन जैसे ही लेखिका घर में आती, घर में प्रवेश करती और उनके आने की आहट गिल्लू को मिल जाती तो गिल्लू फट से उसी जाली के कोने से भीतर चला आता और उनके पैरों में लिपट जाता और पैरों से लेके सिर तक चढ़ना, सिर से लेके पैरों तक उतरना उसकी आदत में शुमार था। तो वो उसी तरह उतरने चढ़ने लगता कि ताकि लेखिका जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान दे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की को खुली जाली की तरह बाहर चला जाता। तो जब लेखिका बाहर चली जाती तो गिल्लू भी खिड़की की
खुली जाली वाली जगह में से बाहर निकल जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन करके हर डाल को उछलता कूदता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो इतना वो अभ्यस्त हो गया था महादेवी वर्मा के तौर तरीकों से कि जैसे ही महादेवी वर्मा कॉलेज के लिए निकलती वो उसी जाली में से निकल जाता और निकल करके चला जाता। जा करके वो दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेतृत्व करता, नेता बना हुआ फिरता, और शाम 4 बजे जब महादेवी वर्मा वापस आती तो वो उसी जाली के कोने से भीतर फिर आ जाता। तो इतना उसको पता था कि ठीक 4 बजते बजते वो जैसे ही आती वो भी आ जाता। इतना लगाव, हाव भाव, और 2 साल तक उनके साथ रहने पर वो जान चुका था कि उनकी पचाप पहचानता था और जैसे ही वो आती वो तुरंत चला आता। वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दों की चुन्नटों में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो कभी कभी वो क्या करता कि लेखिका को चौंकाने का काम करता। तो कभी फूलदान के फूल के बीच में छिप के बैठ जाता, कभी पर्दों की चुन्नटों में छिपा रहता और अचानक लेखिका जाती तो उनके ऊपर कूद पड़ता, और कभी सोनजूही की डालियों और पत्तियों के बीच छिपकर बैठ जाता। लेखिका जब उस पेड़ के नीचे पहुंची तो उनके कंधे पर कूद पड़ता। तो इस तरीके से वो उनके हाव भाव, चाल ढाल सब चीज को से गिल्लू इतना परिचित हो चुका था कि हमेशा उनको इसी तरह से उनके साथ खेलता कूदता और इसी तरह से रहता। चौंकाने की इच्छा तो उसके मन में जगी रहती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव कम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जीव जंतु वो पालती थी और सभी जीव जंतु को उतना ही प्यार करती थी, लेकिन कभी भी कोई जीव जंतु को वो अपनी थाली में बिठा के नहीं खिलाती थी। बहुत सारे जीव जंतुओं को उन्होंने पाला, कमरे में रखती थी। जैसे ही उन्हें लगता था कि अब ये कमरे के बाहर रहने लायक हो गए हैं, उन्हें वो जाली के घर में या किसी ऐसी जगह जीव जंतुओं के साथ छोड़ देती। तो ऐसी स्थिति में उनको जो जीव जंतु थे उनके साथ उठना बैठना भी जान जाते थे और समूह में रहना भी सीख जाते थे। तो परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा उन्हें स्मरण नहीं आता। उनका कि मुझे याद ही नहीं आता कि कभी उसमें से किसी भी जीव जंतु ने उनकी थाली में से खाना खाया हो। लेकिन गिल्लू चूंकि उनके कंधे पे बैठा हर समय झूलता रहता था तो वो कभी भी उनकी थाली में से, क्योंकि इतना चिर परिचित हो चुका था कि उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि ये महादेवी वर्मा यानी लेखिका की थाली है। वो तो ये जानता था कि जैसे माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है उस तरीके से वो गिल्लू भी उन्हें अपनी माँ की तरह उनकी थाली में से खाने का अपना अधिकार समझता था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता, और वो जैसे ही खाने की टेबल पर पहुंचती, खाने की मेज पर आती, उसे पता रहता कि अब खाने का टाइम हो गया। वो इधर उधर घूमता हुआ न जाने का मौका निकाल करके वो आ जाता और उनके साथ टेबल पर मेज पर बैठ जाता और खाना खाता उनकी थाली में से निकाल कर। अब महादेवी वर्मा सोचने लगी, इतने जीव जंतुओं को पाला लेकिन कोई भी थाली में से नहीं खाता था, अब वो उसे कैसे बिठाएं बगल में उनकी समझ में नहीं आता था। जब उसे बिठाने की कोशिश करती तो उनकी थाली में से उठाने की कोशिश करता। धीरे धीरे करते करते कई महीनों के अभ्यास पर जब वो सिखाई तो कई महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद वो थाली के पास बैठना सीख गया कि वो थाली के पास बैठ जाता और महादेवी वर्मा उसे निकाल के कुछ भी दे देती तो वो खाता। तो धीरे धीरे बहुत प्रयास के बाद उसने थाली के पास बैठना सीख लिया और बड़ी कठिनाई से महादेवी वर्मा ने उन्हें सिखाया। उसे थाली के पास बैठना सिखाया जहाँ तक वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह खाने की चीज तो लेना बंद कर झूले के नीचे फेंक देता था। जीव जंतु ऐसे ही होते हैं, वो अभ्यस्त हैं। अगर वो आप उनकी बात नहीं समझेंगे तो वो दिया हुआ खाना पलट देंगे या दिया हुआ खाना उल्टा कर देंगे, थाली या बर्तन गिरा देंगे। तो इससे आप उनके हाव भाव को समझो
ये उनकी बात थी। तो और खाद्य पदार्थों में उन्हें सबसे प्रिय उस गिल्लो को जो चीज़ था वो काजू थी। काजू बहुत मन से खाता था। जीव जंतुओं को वैसे भी मेवे बहुत अच्छे लगते हैं, तो फल और काजू, ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं, सूखे मेवे खूब अच्छे से पसंद से खाता। और जब उसे कोई चीज़ ना पसंद आती तो सीधे झूले के नीचे फेंक देता था कि उसे उस चीज़ को खाना ही नहीं। ठीक जिद्दी बच्चों की तरह वो महादेव वर्मा से अपने मन की भाव को कहता। जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। किल्लू ने उस समय जब उसकी आंखें खुली तभी उसने लेखिका के की उंगली का सहारा पा लिया। अब वो लेखिका की उंगली के सहारे सहारे उसे ऐसा हो गया कि वो उनके हाव भाव से पूर्णतः परिचित हो गया। और परिचित होने के साथ उसने ये जान लिया कि लेखिका का रहना और घर में ना रहना दोनों से समझ में आता था। जिस समय लेखिका घर में ना होती वो जाली के दरवाजे से बाहर निकल जाता, और जो ही लेखिका का पांव घर के अंदर भीतर पहुंचता वो जाली के दरवाजे से भीतर आ जाता और उनके साथ रहता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मोटर दुर्घटना में लेखिका बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ के अस्पताल रहने लगी, तो बहुत बार कहते हैं ना कि घर में पालतू जीव जंतु जो होते हैं, जब घर के लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो जीव जंतु बहुत चीखते हैं, रात रात भर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता है और वो बिल्कुल उनका मन नहीं लगता किस तरह वो रहें, तो उन्हें लगता है कि अब वो क्या करे। तो महादेव वर्मा के न रहने पर जब गिल्लू चुपचाप झूले में रहता, उसे अस्पताल रहने पे जो काजू वगैरह दिया गया था खाने के लिए वो काजू वगैरह भी वो नहीं खाता था ना तो फेंकता था, उसी में सब उसी तरह पड़े और सूखे पड़े रहते थे। लेखिका अस्पताल से आई तो गिल्लू को लगा कि उसे नया जीवन मिल गया है। अब ये कहते हैं जीव जंतुओं की पहचान, जीव जंतुओं की पहचान ऐसी होती है कि अपने साथ रहने वाले लोगों को वो अच्छी तरह पहचानते हैं। और परिचारिका की तरह जब वो बिस्तर पे लेटी रहती, परिचारिका होता दासी होता काम करने वाली, परिचारिका कहते हैं दासी को, कहते हैं दासी कहिए या नौकरानी कह सकते हैं। तो परिचारिका दासी और नौकरानी जिसको भी कहिए, तो काम करने वाली जो आपके घर की है उसको कहा जाता है। और जैसे काम करने वालियां जो होती हैं, जब आप बीमार पड़ जाओगे तो आपके हाथ पांव दबाएंगी, आपको आपके माथे पर तेल रखेंगी वगैरह। तो महादेव वर्मा जब दुर्घटना का शिकार होकर के अस्पताल से फिर वापस वो घर आती हैं तो उन्हें लगता है कि अब उनके लिए गिल्लू बहुत बड़ा वाला सहारा हो गया, बहुत बड़ा सहारा। और वो हमेशा उनकी तकिया के पास बैठा रहता, तकिया के पास बैठा रहता और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से पंजों से उनके सर में यूं यूं करके सहलाता रहता। ऐसा लगता जैसे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो सेविका जो रहती है आपके सिर में उंगली डाल करके यूं यूं करके मसाज करती है। ठीक वैसे ही जैसे मसाज की उंगलियां होती हैं, ठीक वैसे ही गिल्लू जब वहाँ लेखिका बीमारी से जो उठकर जब घर आती हैं और वो बिस्तर पर लेटी रहती है तो उनके सिर पर बैठ करके अपने पंजों से मसाज करता था। और इतना उनको अच्छा लगता था कि उन्हें लगता था कि कोई व्यक्ति क्या इतनी सेवा करेगा।
और वो पल भर को अगर हट करके खिड़की या खिड़की के पास कहीं चला जाता तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था, खलता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजे से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि वह उसका हटना एक परिचारिका के हटने जैसा लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले पे बैठता। उसने मेरे ही निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए सर्वथा एक नया उपाय ढूंढ लिया था। जीव जंतु बहुत समझदार होते हैं। अब देखिए, उस नन्हे से गिल्लू को पता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो वो क्या करता है, उनके पास रहने के लिए लेखिका की जो सुराही रहती है जिसमें पानी वो भरे रहती है, वो सुराही मिट्टी के बर्तन होने का बहुत ठंडी रहती है और लेखिका उसको अपने घर कमरे में ही रखती थी। तो गिल्लू जब मौका देखता तो उसी सुराही के ऊपर जाकर बिल्कुल चिपक कर लेट जाता था, मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। तो इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहती। अब क्या होता कि वो पास रहता उनके हमेशा, और जहाँ कहीं ज़रूरत होती वो इधर उधर हिलता और फिर पुनः उनके पास आके बैठ जाता। बाहर जाने के लिए वो कभी तैयार नहीं होता था और झूले पर बैठ के खेलता रहता। मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का भी उसने मिट्टी के बर्तन पे चिपक के रहना सीख लिया था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती और 2 वर्ष वो बिता चुका था उसी झूले के दलिया में। गिलहरी की उम्र 2 वर्ष। होती है तो गिलहरी की जो उम्र होती है वो 2 वर्ष की होती है और 2 वर्ष का वो हो चुका था। अब एक दिन की बात है कि अचानक गिल्लू की जो जीवन यात्रा थी वो अंत की ओर बढ़ रही थी। उस दिन घर में उसने कुछ भी नहीं खाया। यातना भरी रात थी उसके लिए। वो झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर चला गया और बिस्तर पर ही बैठकर अपने ठंडे पंजों से वह मेरी उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपक गया और उसने क्या किया, प्रेम पाने के लिए अपनी उंगली से पंजों से ठंडे ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ करके उंगली के साथ चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन का की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी जीवन पाने के उस क्षण में गिल्लू ने लेखिका की उंगली पकड़कर जीवन पाया था। जिस समय उसने थोड़ा तीन दिन के बाद होश में आया तो उसने सबसे पहले लेखिका की उंगली पकड़ी, तो लेखिका की उंगली पकड़कर गिल्लू को एक नया जीवन मिला था और उसी लेखिका की उंगली पकड़ करके वो अपने जीवन की अंतिम यात्रा करने जा रहा था। कैसे करने जा रहा था, जब उसे ये लगने लगा कि अब उसका जीवन शेष नहीं बचेगा और उसे इस बात का एहसास होने लगा तो उसने अपने झूले से उतर करके वो चला आता है लेखिका के पास बिस्तर पर और उनकी उंगलियों को कस के पकड़ लेता है। यानी कि अपनत्व की भावना इन्हीं चीज़ों से समझ में आती है। तो कस के चिपक जाता है, उतर के मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता गर्मी उसे गर्मी देने के लिए, उसके ठंडे पंजों को गर्म करने के लिए उन्होंने हीटर जलाया और उस हीटर जलाया और जब सुबह हीटर जलाने के बाद उसके शरीर में ठंडक नहीं आई, गर्मी नहीं आई, ठंडी रही, तो सुबह भोर के समय सूर्य की किरण निकली भी नहीं थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है, यानी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाता है। उसका झूला उतार कर वो रख देती हैं, खिड़की की जाली को फिर ज्यों का त्यों बंद कर देती हैं, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोनजूही पे बसंत आता ही रहता। यानी गिलहरियों का आना जाना वहाँ बाग बगीचे में लगा रहता और सोनजूही पे रोज नए नए फूल निकलते रहते। बसंत यानी फूल निकलना, हरा भरा होना। सोनजूही की लताओं के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। गिल्लू के मरने के बाद ये हुआ कि गिल्लू को कहाँ दफनाया जाए, तो सोनजूही पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर
उसमें गिल्लू को डाल दिया गया, उसका झूला उतार कर रख दिया गया और संजुई की लताओं के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उस लता वह सबसे अधिक प्रिय, वह लता जो थी संजुई की गिल्लू को बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार करता था, इसलिए भी उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वो जूही में जो पीले रंग का फूल निकल आया है उसे देखकर उन्हें लगा कि उनका गिल्लू जो है फिर वापस फूल के रूप में आ गया, तो इसे जीव जंतुओं के प्रति प्रेम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी, मैंने दोहरा दिया, आप फिर पढ़िए इसको ताकि मैं अतिरिक्त प्रश्न कराऊँ तो आपको समझ में आए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।